नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो सिखाने वाला हूँ, वो UMT Pro का हमारा अगला टॉपिक है। आज की वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं MTK CPU। MTK CPU, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर यदि MTK CPU आता है, तो MTK CPU को कैसे रिपेयर किया जाएगा। इससे पहले मैंने MTK CPU का एक नया पार्ट दिया था कि जो नया वर्जन आया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा MTK CPU के लिए जो पुराना वर्जन आता है, MTK 5.1, ये जो 5.1 आता है, इसके माध्यम से हम कैसे मोबाइल फोन में हम लोग अनलॉकिंग करेंगे, इसका कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो के बारे में समझाने वाला हूँ। तो डोंगल को कैसे यूज किया जाएगा, तो डोंगल को यूज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो दे रहा हूँ। एक एक करके मैंने डोंगल के बारे में अच्छे से वीडियो दिया हुआ है, ताकि जितने भी सारे नए यूजर हैं जो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सकें। और बहुत ऐसे दोस्त हैं जो आज कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग कहते हैं, मुझे भी बड़ा दिल से खुशी लगता है। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक्स्ट्स कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन के अंदर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी चीज़ों के बारे में आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा UMT Pro का टॉपिक है और MTK CPU का है, MediaTek 5.1। MediaTek 5.1 को कैसे यूज करेंगे, कैसे इसके माध्यम से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये मैं आज आपकी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये डोंगल है, ये डोंगल को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। ये डोंगल को सिस्टम में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप डोंगल को सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे, तो आपका डोंगल सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने सिस्टम में चलते हैं। ये हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में हमारा डोंगल कनेक्ट हो चुका है। डोंगल में कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग UMT सपोर्ट जो है, UMT सपोर्ट को ओपन करेंगे। देखिए UMT सपोर्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है स्क्रीन पे, ये कहीं पड़ा हुआ है, ये UMT सपोर्ट पड़ा हुआ है। UMT सपोर्ट हमारा चालू हो गया है। सर मुझे लगता है नेट बंद है, और नेट को चालू करिए जिससे हमारा नेट की कनेक्टिविटी हो। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। अगर नेट की कनेक्टिविटी नहीं आएगी तो डोंगल नहीं चलेगा। यहाँ पर लिख के आएगा दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ऐसा कुछ लिख करके आएगा। तो इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारे सिस्टम में नेट नहीं है। अगर हमारे सिस्टम में नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो डोंगल नहीं चलेगा। अगर नेट की कनेक्टिविटी है तो डोंगल आपका नहीं चलेगा, नेट होना ही चाहिए, कंपलसरी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए हमने नेट की कनेक्टिविटी के लिए हमने नेट पर क्लिक किया, कहीं हमारा नेट कहाँ आ रहा है, सर्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट का वेट करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें, वीडियो में शेयर करें, ताकि हम आपको इतना मेहनत से वीडियो देते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसा कुछ तो आप बिल्कुल आप समझ सकते हैं। देखिए हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया ना। अब नेट कनेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा इसको ओपन करेंगे। ये तो ये हमारा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फिर सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे, इंस्टॉलर पर जाएंगे। इंस्टॉलर को ओपन किया, इंस्टॉलर ओपन होने के बाद UMT Pro मीडियाटेक का नहीं आ रहा नीचे आएंगे। ये देखो UMT Pro मीडियाटेक 5.1, इसको हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। ओके स्टार्ट, ये देखिए ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो गया है।
जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, क्या सिस्टम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। ये देखिए, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ये हमारा जो पैनल होता है ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है। ऑटोमेटिक कैसे काम करता है, इसमें मच्छर होते हैं ना, मच्छर बैठ जाते हैं, मच्छर क्लिक कर देते हैं। मच्छर क्लिक करने से अपने मन से पैनल काम करने लगता है। तो कहीं कहीं पर हम क्लिक करें ना करें तुम लोग समझा करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए कहाँ पर है मीडियाटेक का, मतलब इसका मतलब होता है आजकल के मच्छर भी पढ़े लिखे हो गए हैं, वो भी पैनल को चला सकते हैं। बेशक वो सही जगह पर ना क्लिक करें, गलत तो कर ही सकते हैं। देखो कर रहे हैं ना अपने मन से, ये मच्छर टच हो रहा है। ये मीडियाटेक का हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए ये ना ये चला रहा है कीड़ा। इंस्टॉल कुछ होना, इंस्टॉल कुछ और हो जाएगा। कीड़ी के अंदर बहुत पावर होती है। कहाँ गया मीडियाटेक का अपना, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, मीडियाटेक जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैक शेयर करेंगे। तो ऐसा खुल के आ जाएगा। यस हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल होने में समय लगता है क्योंकि जब पहली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है तो थोड़ा सा वो लेता है। जब लेगा तो यहाँ पर टास्क बार पर खुल के आ जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। जैसा खुल के आएगा बोलेगा भाई आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप पीछे भी खोल के देख लिया करें, कहीं पीछे तो नहीं खुल गया है, पीछे तो नहीं खुला है। हम लोग इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इसको स्ट्रैक शेयर कर लेते हैं दोबारा। यस टू ऑल, ये आ गया। यस देखिए मच्छर के अंदर इतनी पावर है कि सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल होने दे रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ मुझे लगता है इसको देखते हैं तो मुझे मोर्टिन लगा करके पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मच्छर पढ़ाने नहीं देगा। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हमारा मीडियाटेक का प्रॉपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद फिर हम लोग उसको यूज करने का तरीका सीखेंगे कि उसको यूज कैसे करेंगे या यूज करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट। ये हमारे जो LIBS के फिल्टर ड्राइवर होते हैं वो भी एक एक करके आपको इंस्टॉल करने होते हैं। ऐसे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ड्राइवर होता है ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके इसको लेंगे इंस्टॉल करेंगे, ऐसे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको लेंगे इंस्टॉल करेंगे, आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके इसको लेंगे इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके सक्सेसफुली हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। सक्सेसफुली ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आप लोग इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारा ड्राइवर हमारे स्क्रीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। जब स्क्रीन पर हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब उसको यूज करने के बाद फिर हम लोग उसका यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे, हमारे स्क्रीन पे कहाँ पर इंस्टॉल होकर के आ गया है। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है, हम लोग क्या करेंगे इंस्टॉल करेंगे। कहाँ पर आ गया हमारा मीडियाटेक का, मीडियाटेक मीडियाटेक मीडियाटेक। आप चारों तरफ देखेंगे मीडियाटेक ऑप्शन कहीं पर आ गया है। ये अल्टीमेट मल्टी टूल है, हमारा मीडियाटेक का कहाँ आया ये हमको देखना है, हमको शॉर्टकट आया कि नहीं आया। अल्टीमेट मीडियाटेक MT Pro मीडियाटेक आ गया। इसको ओपन करेंगे, यस करेंगे। जैसे आप इसको यस करेंगे आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को ओपन होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि सर्वर पे ओपन होता है।
तो सबसे पहली बात क्या है आपका, इसमें देखिए पूरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्लैशर का। किसका ऑप्शन आता है? फ्लैशर का। ये जो फ्लैशर का ऑप्शन आता है, ये जो हमारा जो ऑप्शन आता है, ये हमारा जो ऑप्शन आता है किसका ऑप्शन आता है? फ्लैशर का। यहाँ पर हम लोग मोबाइल फोन में फाइल को फ्लैश करते हैं। जितने भी मीडियाटेक सीपीयू होते हैं उनको फ्लैश करने के लिए हम लोग जो फाइल लेते हैं वो एमटी डॉट स्कैटर। कौन सी फाइल लेते हैं? एमटी डॉट स्कैटर फाइल लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग लोड स्कैटर में क्लिक करेंगे। लोड स्कैटर में क्लिक करने के बाद तुरंत वो बोलेगा फाइल कहाँ पर है। जहाँ पर फाइल होगा उस फाइल को लोड कर देंगे, बस उसके बाद फ्लैश पे क्लिक कर देंगे और आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम आगे। आपने कहाँ किया? फ्लैश पे क्लिक किया। आपको दिखाई दे रहा है सबको? फ्लैश पे क्लिक किया। फ्लैश पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग लोड स्कैटर पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? लोड स्कैटर पर। जहाँ पर भी हमारी फाइल रखी होगी हमारी कंप्यूटर के अंदर, उस फाइल के अंदर एम टी डॉट स्कैटर नाम से फाइल आएगी। उस एम टी डॉट स्कैटर फाइल को हम लोग क्या करेंगे? लोड कर लेंगे। जैसे फाइल को लोड कर देंगे, फाइल लोड होने के बाद ओपन हो जाएगी और आप फ्लैशिंग भी क्लिक कर देंगे, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। ये जो तरीका दिया हुआ है, ये फोन में फ्लैशिंग करने का तरीका दिया हुआ है। कौन सा तरीका दिया हुआ है? फ्लैशिंग का। कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को फ्लैशिंग करेंगे, किस तरीके से फ्लैश करेंगे उसका कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई फोन आता है उसमें लॉक खोलना है, तो लॉक खोलने के लिए आप लोग टूल्स एंड एफआरपी में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? टूल्स एंड एफआरपी। इसमें लॉक खोलने के लिए तीन तरीके के मेथड दिए होते हैं। सबसे जो पहला मेथड होता है वो अपना ये वाला होता है। इसमें पहले आप ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, उसका मॉडल लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट एफएस को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट एफएस सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे डू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर फॉर्मेटिंग चालू हो जाती है और आपका मोबाइल फोन यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका होता है, पूरा दिखाई दे देता है कि यूजर एरिया डाटा फॉर्मेटेड। आपका मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, लॉक खुल जाएगा, आपका फोन सही हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? फॉर्मेट करने का। कैसे यूज करते हैं? आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आप एसेंट में जाएंगे। एसेंट के बाद जो भी आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे मान लिया आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल फोन आ गया, तो आपने यहाँ पर ले लिया, मान लिया वीवो आ गया, तो आपने वी दबा दिया, तो वी दबाते ही वीवो का ऑप्शन आ जाता है। वीवो के बाद जो भी मोबाइल फोन आता है, Y81, 91 जो भी मॉडल आता है, उस मॉडल को ले लेते हैं। मॉडल लेने के बाद फॉर्मेट एफएस लेते हैं, उसके बाद डू कर देते हैं। जैसे डू कर देते हैं तो आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है? फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट होने के बाद आपके मोबाइल फोन का लॉक खुल जाता है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को हम लोग बहुत आसानी तरीके से उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसके माध्यम से हम लोग फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये तो पहला मेथड है। उसके बाद फिर हमारा दूसरा मेथड आता है, सेकंड जो मेथड आता है। एक तो पहला होता है कि आप मेटा मोड से रीसेट करते हैं, फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड 2 ले लेते हैं। तीसरा तरीका होता है, इसमें 1 ले लेते हैं, इसमें 1 आता है, फिर इसी तरीके से 2 आता है, 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से कर देते हैं, तो आपका मोबाइल फोन मेटा मोड में जा करके रीसेट हो जाता है। ऐसा सिर्फ हमारा मीडियाटेक के सीपीयू जो मोबाइल फोन आते हैं उनको रीसेट किया जाता है। ऐसा रीसेट करने से आपके मोबाइल फोन का लॉक टूट जाता है, लेकिन उसमें एफआरपी लग जाती है। फिर एफआरपी हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या उसको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बाईपास कर सकते हैं, या तो इससे भी देख करके हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो ये हमने एक दूसरा मेटा मोड से रीसेट करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ जरा। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा कि आपका डिवाइस कनेक्टेड और फोन मेटा मोड में चला जाएगा और आप उसको रीसेट कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो दूसरा तरीका है। उसके बाद जो तीसरा तरीका दिया हुआ है, ये वन क्लिक का तरीका दिया हुआ है। वन क्लिक का मतलब होता है कि इसमें वन क्लिक के माध्यम से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वन क्लिक जो, ये हमारा जो मेथड है, तीसरा मेथड है कि आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप रीसेट पर टिक करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट एफएस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे। रीसेट करना है, एफआरपी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर देंगे। एम आई अकाउंट हटाना चाहते हो तो यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहले फ़ोन कनेक्ट कराएंगे, यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मेट एफएस ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप एम आई रीसेट को हटा लेंगे, एम आई अकाउंट को हटा लेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर से आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, एक ऑपरेशन जैसे चलेगा, ब्रूम मोड में फ़ोन को कनेक्ट कराने को बोलेगा,
प्लस माइनस दबाएंगे फोन को कनेक्ट करा देंगे। जैसे फोन को कनेक्ट करा देंगे आपके मोबाइल फोन में फॉर्मेटिंग होगी और आपके मोबाइल फोन का लॉक खुल चुका होगा, लॉक ठीक हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन रेडी हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास मीडियाटेक सीपीयू के जो मोबाइल फोन आते हैं, मीडियाटेक सीपीयू को मोबाइल फोन को हम लोग इसके माध्यम से हम लोग रिपेयर करते हैं। तो ये मैंने आज आपको मीडियाटेक के बारे में बताया। दूसरा ऑप्शन हमारा पार्टीशन मैनेजर का है, इस ऑप्शन का कोई हमारा ज्यादा भी खास यूज नहीं है, पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा उसके बाद ये हमारा ओपन होगा। इसमें अभी आपको खास अपना यूज नहीं है, कोई ज्यादा फीचर्स इसके अंदर नहीं आया है। तो इस तरीके से आज हमने आपको दोस्तों बताया कि मीडियाटेक सीपीयू को किस तरीके से रिपेयर करेंगे या मीडियाटेक सीपीयू को कैसे रिपेयर किया जाएगा या उसको रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है। आज की वीडियो के माध्यम से आपने मीडियाटेक को सीपीयू को रिपेयर करने का तरीका सीखा हुआ है कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर जो मीडियाटेक सीपीयू आता है, मीडियाटेक सीपीयू को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, 5.1 वर्जन का कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आज आपको वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों ये ऑफिस का नंबर है 6391711711। दूसरा नंबर है 6391211111। इस पर आप किसी भी नंबर पर बात करेंगे तो आपको या तो मुझसे बात होगी या तो आपको अमित सर से बात होगी, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको पूरा जानकारी देंगे कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कोर्स को कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मीडियाटेक सीपीयू के बारे में बताया है, यूएमटी प्रो के बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग यूएमटी प्रो के माध्यम से मोबाइल फोन को हम लोग बहुत आसानी से अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिया हुआ है। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको डेली डेली वीडियो डालता हूँ कि वीडियो के माध्यम से हमारे पास नए नए लोग जुड़ रहे हैं या नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को सीख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सर जी हमारे यहाँ पर सिखाने का पैटर्न ही इतना आसान है, इतना ईजी वे में आपको सिखाया जाता है कि ऐसी कोई मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम नहीं जो दुनिया जान में आपको ना समझ में आए या तरीका ना समझ में आए। ये सारा जो वीडियो मैं बना कर देता हूँ, ये सारा मैं आपको डेमो वीडियो इसलिए बना करके देता हूँ ताकि आपको सब तरीका समझ में आए कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है, कितना इजी वे में सीखा जा सकता है। आज मेरे पास जैसे कल मैंने वीडियो डाला था तो एक दोस्त हैं, मतलब उन्होंने बताया कि मैं भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहता हूँ, और काफ़ी साल से वो अपना काम कर रहे हैं, मेरे साथ में एजुकेशन भी किया, पढ़ाई भी किया, उसके बाद उन्होंने आज मुझे कॉल करके बोला कि सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीखना चाहता हूँ, जबकि वो कहीं ना कहीं मेरे मतलब फ्रेंड निकले, मतलब दूर से जानने वाले हैं कि मतलब 8-9 साल मेरे साथ पढ़े थे, उसके बाद आज मुझे कॉल किया। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे अपनी जॉब को छोड़ करके मेरे पास दोबारा अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कोर्स को सीखेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सच ये लाइन ऐसा है कि आदमी कोई भी जॉब करता रहे या किसी भी फील्ड में जुड़ा रहे या किसी काम में लगा रहे, उसको अपने जो पैसे मिलते हैं वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 एक अपनी इनकम को जनरेट करता है, लेकिन जब उसको बहुत साल काम करते करते हो जाता है तो वो लगता है कि चलो कुछ ना भैया अपना एक बिजनेस प्लान किया जाए, अपना काम किया जाए, अपना काम किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, तो उसका दिमाग में मोटिव बनता है। लेकिन आज मैं सब आपको बताऊँ, सर सारी फील्ड में आप ट्राई करिए, लेकिन इस फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा आप गौर करिए कि ये ऐसा कोर्स है कि आजकल उभरते हुए समय पर सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन ना हो, और जब वो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होता है तो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के अंदर उसमें खराबी ज़रूर आती है। जब खराबी आती है तो अगर 20,000, 25,000, 30,000 का मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको ठीक करने में 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का खर्चा आता है, और उसको लोग आसानी से बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कराते हैं। क्यों रिपेयर कराते हैं? क्योंकि भाई फ़ोन ख़राब है, उसने 25,000, 30,000 का फ़ोन ले रखा है, उस फ़ोन को फेंक तो देगा नहीं, उसको रिपेयर कराएगा। जब उसको रिपेयर कराएगा तो रिपेयर करने में जो पैसा लगेगा, जो खर्चा लगेगा, जो काम लगेगा, उस चीज़ को पे करेगा, देगा। एक आदमी मोबाइल फ़ोन में 20,000, 25,000 बेचने वाला शायद अगर 1,500 रुपये नहीं कमा पाता, लेकिन उसको रिपेयरिंग करने वाला 2,000, 3,000 रुपये उससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक अच्छे तरीके से पैसे कमा सकता है। क्यों? क्योंकि जो रिपेयरिंग करने वाला बंदा होता है वो ट्रिकी होता है, उसको नॉलेज होता है, उस सब चीज़ों के बारे में सीखा होता है। क्योंकि अगर वो 1,000, 2,000 रुपये कोई भी आदमी अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का हमको देता है तो इस बात का पैसा नहीं देता कि वो हमको 1,000, 2,000 रुपये खर्चा लग रहा था, वो इसलिए दे रहा है ताकि उसके जो 20,000, 25,000 के डिवाइस है वो फिर से सही होने वाली है, इस बात का पैसा देता है।
तो इस तरीके से सर हम आपको पूरा कोर्स के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, पूरा सिखाते हैं ए से लेकर जेड तक, बताते हैं। और मेरे पास, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास 2-3 दिन बाद और एक झारखंड के रहने वाले हैं, गुप्ता जी हैं, उनके भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी दुकान है, मोबाइल फ़ोन, क्या नाम है सर उनका? छत्तीसगढ़ से हैं छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं गुप्ता जी, है ना? छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं गुप्ता जी हैं, जो अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से इतना अच्छा सीखा, इतना सारा सब चीज़ के बारे में जानकारी लिया कि उन्होंने अपने लिए डोंगल भी मंगाया। उन्होंने एक डोंगल भी मंगाया, डोंगल मंगाने के बाद डोंगल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज किया, यूज करने के बाद एक दो मोबाइल फोन का लॉक भी खोला। लेकिन बस ये कह रहे हैं कि सर हमको उसके माध्यम से पूरा नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं पूरा समझ में आ रहा है? इसलिए पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा रहता है ना कि जब सर आप किसी भी चीज़ के बारे में क्लास में बैठ करके सीखते हैं तो पूरा सब कुछ जानकारी आपको मिलता है। ये जो आपको इतना सारा जो आपको जानकारी मिल रहा है, ये सारा बेसिक है। ये कोई जानकारी ऐसा नहीं होता कि हमारा इससे पूरा काम चलने वाला है या पूरा हमारे लिए पर्याप्त है या बिल्कुल खत्म हो गया लास्ट है। तो सर जी एक थोड़ा सा मैं आपको हेल्प देता हूँ, डेमो वीडियो देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो डेमो वीडियो से देख करके सीख करके उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये का डोंगल मंगाया, ऑनलाइन डोंगल उन्होंने अमेजोन से मंगाया था सर, बोल रहे थे कि सर हाँ इंडिया मार्ट से मंगाया, उन्होंने इंडिया मार्ट से डोंगल मंगाया 3,000-4,000 रुपये के अप्रोक्स में आया। फिर उसके बाद उन्होंने खुद लगाया, उसको इंस्टॉल किया, कह रहे सर मैंने आपका सारा वीडियो डाउनलोड किया। डाउनलोड करने वीडियो कम से कम नहीं अगर मैं सर आपको पूरा 5-6 दिन लगातार मैंने कुछ काम ही नहीं किया, सारे काम छोड़ दिए, आपका वीडियो मुझे इतना अच्छा लगा कि उस वीडियो को मैंने 10-10, 20-20, 25-25 बार वीडियो देखा। मेरे दिमाग के अंदर चारों तरफ यही गूंजने लगा कि अरे भैया मैं ऐसे कर दूंगा तो मोबाइल फोन का लॉक खोल जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, सब कुछ समझ में आया। डोंगल मंगाया, उन्होंने 3-4 मोबाइल फोन का लॉक भी खोला, MI का एक मोबाइल फोन का लॉक खोला था, जाने कौन सा 7A मोबाइल फोन था उसका लॉक खोला, या और भी कुछ ऐसे 2-4 मोबाइल फोन को ठीक किए। तो उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर आपके वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत समझ में आया है और मैं भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट सीखना चाहता हूं क्योंकि मेरी दुकान है। अब मुझे सर ऐसा लगता है कि आपके वीडियो के माध्यम से मुझे इतना हेल्प मिला कि मुझे नहीं लगता कि आज ये मेरी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान है। अब मेरे पास जितना नॉलेज है इतना मेरा नॉलेज पर्याप्त है, इससे मेरा काम होने वाला है या इससे मेरा काम चलेगा, क्योंकि आज दिन पर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और हम लोग वही पुराना जो सीखे हैं, जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जैसा तैसा रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आधा फ़ोन मेरे से ठीक होता है, आधा फ़ोन वापस हो जाता है, कहीं और जाके ठीक होता है। तो क्यों ना हम उस काम को अपने तरीके से मैं खुद पूरा सीख लूँ, खुद अच्छी तरीके से कर पाऊँ। तो उन्होंने फ़ोन किया, बात करी, जानकारी लिया, उन्होंने पेमेंट भी शायद ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, अपने बारे में बताया भी। और सर अपना तो सीखने आ रहे हैं लेकिन अपने साथ में 2 बंदे और आ रहे हैं, कह रहे हैं हमको तो सर थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन हमारे साथ में जो 2 लोग हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं, 0, उनको तो कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने अपनी वीडियो को उनको भी दिखाया था, वो भी लोग इम्प्रेस हुए। तो उन लोगों ने सोचा चलो क्यों ना सर के पास चलते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को सीखते हैं, फिर अच्छी तरीके से काम को स्टार्ट करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो ये सर मेरा बताने का मतलब ये है कि लोग सर आप ही लोग फ़ोन करते हो, जानकारी लेते हो, समझते हो, और जो आप ही लोगों के काम को देख करके मैं महसूस करता हूँ कि किस तरीके से काम सीखा जाएगा, कैसे काम कराया जाएगा या क्या सीखने का तरीका है, और आपको सीखने का प्रोसेस कितना ईजी से ईजी किया जाए ताकि आप सभी लोग सीख सकें। आज सर मैं आपको बताऊं, मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर में एक 15 साल के बच्चे से लेकर के 40 साल तक के लोग हमारे पास सीख रहे हैं। एक सर है जिनको मैंने आपको हरीश जी मैंने बताया, जिनको 10 साल हो गया काम करते करते, आज फिर उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, फिर चाहते हैं कि मैं अच्छा सीखूँ, अच्छे तरीके काम करूँ। मैं उनके लिए एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ा मेहनती सर हैं वो, कि वो समझ लीजिए अपना ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कि भाई अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास होते हैं, 11 बजे उनका ऑफिस है, खाना पीना सब कुछ लेकर के आते हैं, फिर ऑफिस से घर ऑफिस चले जाते हैं, 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 7 बजे तक करते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं, वो 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक 1 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं सर कुछ नहीं, मैं खाली प्रैक्टिस ही करूँगा, रिपेयरिंग करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा हाथ स्ट्रांग होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सर आपके पास 1-2 महीने, 3 महीने इतनी मेहनत करना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि वो मेरी 3 महीने की मेहनत मेरे 3 साल के बराबर को कवर कर ले। जाहिर सी बात है आप जितना सर मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो सीखेंगे ना। तो इसीलिए क्या है कि ये मैं आज दोस्तों मैंने आपको MediaTek CPU के बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। अगर आपको पूरे ट्रेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स को कैसे सीखा जाएगा, कितना आसान तरीके से सीखा जाएगा, क्या क्या सारी बातें सिखाई जाएंगी,
कभी भी वीडियो कॉल करिए, क्लास में देखिए कैसा ट्रेनिंग होगा, तो ये आपको इस नंबर पर संपर्क करिए, इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। आज हम लोग दोस्तों, जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी है, हम लोग इस मोबाइल फ़ोन का MMC प्रोग्राम कर रहे हैं। सर फ़ोन के माध्यम से दिखाइए जरा कैसे MMC प्रोग्राम हो रही है। ये हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, जो मार्केट से मोबाइल फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, ठीक होने के लिए, तो हमको रिपेयरिंग करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन की MMC प्रोग्राम है। हमने इस मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के IC को हमने प्रोग्राम किया हुआ है। प्रोग्राम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, IC प्रोग्राम हो गया है, फिर से हम लोग अच्छे से देखेंगे। मोहसिन इधर आओ, तो ये हमारी IC की प्रोग्राम हो गई है। प्रोग्राम होने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि हम लोग ऐसे रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करने के साथ साथ आपको उस चीज़ का ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी ट्रेनिंग तभी दे सकता है जब वो खुद करे, जब तक तो खुद नहीं करेगा तो कैसे होगा काम। तो ये हमारे पास बोर्ड है, ये मदर बोर्ड है, इसका हम लोगों ने देखो MMC का पूरा प्रोग्राम कर दिया। देखो हो गया, पूरा डिटेल आ गया, डन हो गया। यहाँ पर देखो लिख के आ गया डन। डन होने के बाद फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। जैसे आइडेंटिफिकेशन किया, तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब हमको रिजल्ट इसका मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, हमको रिजल्ट क्या मिला, हमारी IC प्रोग्राम हो गई। इसमें आ गया Redmi 6 Pro, यहाँ पर Redmi 6 Pro आ गया। जो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इस MMC में 90% कंज्यूम का मैसेज आ रहा था। किसका मैसेज आ रहा था, 90% कंज्यूम का मैसेज आ रहा था। अब मैं आपको 90% कंज्यूम का मैसेज है वो भी ठीक हो चुका है, हमारी IC रेडी हो चुकी है, Redmi 6 Pro मोबाइल फ़ोन पूरा प्रोग्राम हो चुका है। ये देखिए, ये OFI है, इसके माध्यम से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा सेटअप है, इसको उससे बाहर निकालो। अरे क्या स्टैंड का पूरा तुम तक मीना लिए घूम रहे हो, पूरा उसको बनाओ, इसको हटाओ ना इससे। तो ये देखो, मैंने वीडियो में आपको पूरा बताया कि कैसे हम लोग UFI के माध्यम से IC को प्रोग्राम करेंगे। अब प्रोग्राम करने के बाद आज इस IC को हमने प्रोग्राम किया। ये हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, ये हमारा मोहसिन जी का मोबाइल फ़ोन है, ये Redmi 6 Pro। क्या दिक्कत है इस मोबाइल फ़ोन में, इस मोबाइल फ़ोन में दिक्कत है कि 90% कंज्यूम बता रहा था, और ये MI पे लटक गया था ये, और आगे नहीं बढ़ता था। चार्जिंग बंद करने पे पूरी होती थी, लेकिन ऑन करने पे खाली MI लोगो दिखाता था। तो ये मोबाइल फ़ोन तुमको मिला कहाँ से था, किसने दिया था? ये हमारे फ्रेंड का मोबाइल है, फ्रेंड का मोबाइल फ़ोन है। तो ये मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ये Redmi 6 Pro मोबाइल फ़ोन का हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया है, तो एक जो अपने पास जो जम्मू का स्टूडेंट है ना, क्या नाम उनका, रमेश, हाँ रमेश, रमेश ने बोला कि सर मैंने इस मोबाइल फ़ोन को प्रोग्राम कराने का जो पैसा दिया था 2000 रुपये IC प्रोग्रामिंग का पैसा दिया, और जबकि हम लोगों ने इसी IC को उतारा, IC को उतारने पर इसी IC को फ्रेश किया, खाली किया, फिर से दोबारा इसमें सॉफ्टवेयर लोड किया, और पूरा मोबाइल फ़ोन हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। IC देखिए प्रोग्राम हो चुकी है ऐसे। अगर आप टाइम देखेंगे तो इस समय पर समय देखेंगे, ये 10 बज रहे हैं, रात में कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। तो रात में हम लोग 10 बजे तक हम लोग यहाँ पर एक IC को प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। बात यहाँ पर नहीं होती, बात यहाँ पर होती कि कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होनी चाहिए, कि सक्सेसफुल हो ताकि आप सफलता तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 10 बज रहा है, 10 बज के PM मतलब रात बजे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रहे हैं, और ये हमारे अमित सर हैं जो मोबाइल फ़ोन को ठीक करा रहे हैं, और ये हमारे मोहसिन जी हैं, और ये हमारे जीतन भाई हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सभी लोग मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो अब हम लोग IC को दोबारा से लगाएंगे, रेडी करेंगे।